2023 Mitibai College admission. Guys, this is the first time that Mitibai and NM College has opted for CUET. Last year they were taking MINSET, so this year bhi unhone pehle announce kiya MINSET and uske baad unhone CUET ka notice dala hai. And yes, CUET.summit pe jab aap jaoge to NM College wahan pe aa raha hai. So I would suggest, guys, just wait for a day's time. Do not panic to start applying. Let the whole procedure get uploaded from the end of the college and as well as the CUET website, because इन्होंने अभी अभी ये decision लिया है. So CUET is also uploading the things and NM and Mitibai College भी जो details है वो अपने website पे upload कर रहे हैं. So guys, in this video I'm going to explain you Mitibai College का क्या criteria है, किन लोगों के लिए ये जो entrance exam है, because yes, in-house category students के लिए काफी ज़्यादा good news है कि उनको CUET नहीं देना है. All the things, ये जो notice आई है final, I'm going to explain you in details. So guys, make sure that you watch the video till the end so that आपको सारी details पता चल जाए. Guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, be it admission, best college, best courses. So guys, do subscribe so that you don't miss out on any important information. The official notice that you see on my screen, जो Mitibai College ने upload की है अपने website पे, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है उनके website पे, home page पे first notice डाली हुई है, वहाँ पे जाके आप click कर सकते हो. या तो there's a link in the description box, उस पे click करो and I'm gonna run through each and everything so that you understand कि official notice में क्या आया है and हमें step by step admission process कैसे follow करना है. First thing कि फर्स्ट ईयर का एडमिशन ऑफ ऑल द यूजी प्रोग्राम, जिसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए एंट्रेंस था, बट ये बार सारे ही कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि CUET है. ऑलरेडी उन्होंने ये भी कहा है, द स्टूडेंट फ्रॉम CNM कॉलेज, AV पटेल जूनियर कॉलेज एंड JV पारिक इंटरनेशनल कॉलेज एंड Mitibai कॉलेज, तो ये चार जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए CU एंट्रेंस देने की कोई जरूरत नहीं है. आपका जो एडमिशन है आपके 12th के स्कोर पे होगा. ऑल्सो गाइज, ये जो CUET का एग्जाम है, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है. तो अभी Mitibai भी उसके अंडर आ चुका है. सो अभी Mitibai ने भी एक्सेप्ट कर लिया है CUET. नाउ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कहाँ पे आपको ये करना है, देर इज द वेबसाइट जो कि मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, CUET.summit.ac.in. ये जो प्रोसेस है गाइज, मैं बहुत ही जल्द, कल परसों दो दिन आई विल बी हैविंग अ लाइव जूम फॉर्म फिलिंग सेशन जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाएगी और आप जूम लिंक ज्वाइन करके अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर सकते हो. तो अभी प्लीज रश मत करो. द रीजन इज कि अभी अगर आप मिस्टेक करते हो देन वही हो जाएगा कि बाद में एडिट करने का टाइम मिल पाया नहीं मिल पाया, एंड देन यू नो यू माइट मिस आउट ऑन योर क्रूशियल एडमिशन चांस. तो मैं ये नहीं चाहती आपके साथ हो, इसलिए हम भी वेट कर रहे हैं. हम पहले आज ट्रायल रन कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, एंड टुमारो एंड डे आफ्टर टू डेज वी गोना बी हैविंग दिस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जहां पे आप लाइव लिंक ज्वाइन करके अपना फॉर्म फिलिंग कर लेना. दूसरी चीज, द लास्ट डेट इज 30th मार्च, तो प्लीज डू नॉट पैनिक. अपने पास 10 दिन है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आप जल्दी फॉर्म भरोगे तो आपका एडमिशन का कोई चांस होने वाला है, तो इसलिए पैनिक नहीं करना है. सारे डेटा सही तरीके से समझ लेने हैं, उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद दिस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. सो द कैंडिडेट हु आर इन 12th स्टैंडर्ड, अभी मतलब यू नो जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए ये क्राइटेरिया अप्लाई होता है. जैसे कि आप देख सकते हो, देयर इज अ टेबल नाउ व्हेन आई एम गोइंग थ्रू, देयर इज बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, जैसे मैंने आपको समझाया 13 कोर्सेज ऑफर करती है Mitibai कॉलेज एज अ यूजी प्रोग्राम. उन सभी 13 कोर्सेज के लिए यू हैव टू गिव CUET नाउ. और वो भी एक गुड न्यूज मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे मैथ से डर रहे थे अभी वो पूरा चेंज हो गया, तो आपको कोई 120 मार्क का पेपर नहीं देना है. CUET का जो जनरल टेस्ट है जिसे सेक्शन 3 बोला जाता है, सिर्फ वही देना है और उसमें LRVR के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सारा आता है. तो आपका मैथ्स निकल गया एंड दिस इज अ 75 मार्क पेपर. सो जैसे कि आप BA के लिए देख सकते हो, आपको जो है 12th पास होना है और यहाँ पे क्लियरली लिखा है आपके जो 12th के और आपके जो CUET के स्कोर को इक्वल वेटेज दिया जाएगा. लास्ट टाइम Mitibai ने 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स को बिल्कुल भी वेटेज नहीं दिया था, बट दिस टाइम दे आर गिविंग वेटेज टू 12th स्टैंडर्ड मार्क्स. सो गाइज, अगर आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि BMM हो गया, BMS हो गया, BAF, BBI, इनमें क्लियरली लिखा है दैट द कैंडिडेट नीड्स टू स्कोर मिनिमम 60%. अगर आप 60% के लेस लेकर आते हो इन योर बोर्ड एग्जाम, देन आप एलिजिबल भी नहीं हो. इवन इफ यू स्कोर गुड इन CUET, उसका कोई फायदा नहीं होगा. आपको मिनिमम
मिनिमम 60 लाना है टू बी एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन मिठीबाई. तो ये सारे ही कोर्सेज के क्राइटेरिया दिया है, बट आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है, तो डोमेन का बिल्कुल टेंशन नहीं है, यू डोंट हैव टू सिलेक्ट एनी डोमेन. सजेशन आई वुड से, अगर आप CUET दे ही रहे हो तो लैंग्वेज भी दे दो, बिकॉज यू नो यू नेवर नो अगर कोई और जगह पे वो यूज हो जाए. अगर वहां पे आपको लेस मार्क्स भी मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जनरल टेस्ट का स्कोर ही काउंट होगा. लैंग्वेज टेस्ट इज योर इंग्लिश बिकॉज इट विल हेल्प यू. सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि जनरल टेस्ट भी दे देना, वो कैसे फिल करना है हम आपको बता देंगे. आफ्टर दिस दे हैव सेड कि सारे ही डिटेल CUET समर्थ और mitibai.ac.in पे अपने को आती रहेगी एज इन व्हेन दे चेंज. अभी एक और चीज हमें देखनी है, द टाइम टेबल, द टाइम लाइन दैट दे हैव गिवन इज 30th मार्च तक आपको फॉर्म भरना है, जो कि रात का 9:50 तक का टाइम है. बट हम कोशिश करेंगे कि 30th के पहले हम फॉर्म भर दें, बिकॉज कभी अगर वेबसाइट क्रैश हो गया, कुछ हो गया, सो इट्स सेफर दैट बिफोर 30th मार्च दैट यू फिल योर फॉर्म. सेकेंड इज लास्ट डेट और फीस पेमेंट इज अगेन 30th of March. आपको जो आपकी एग्जाम फीस है वो आपको ऑनलाइन पे करनी है. करेक्शन या कुछ चेंजेस करना है तो आपको मौका मिलेगा, दैट यू कैन डू एनीथिंग बाय मिस्टेक. अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया, आपका जो नाम है, आपका जो डिटेल्स है, एनीथिंग दैट यू हैव टू पुट इन 1st to 3rd of March. ऑल्सो गाइज, इफ यू आर अ गैप ईयर स्टूडेंट, यू आर स्टिल एलिजिबल, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. अगर गैप ईयर स्टूडेंट हो तो स्टिल आप CUET दे सकते हो फॉर मिठीबाई. अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30th of April होगा. येस, बच्चों के ये भी क्वेश्चन आए कि क्या मैम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा. इट इज़ एन ऑनलाइन एग्जाम, बट आपको सेंटर पर जाना है, तो इट इज़ गोना बी एन ऑफलाइन एग्जाम. आप प्लान करो कि आपको जाना है, बट MCQ फॉर्मैट है एंड यू हैव टू गो टू द सेंटर टू गिव योर एग्जामिनेशन. सो गाइज, एज आई सजेस्टेड बिफोर कि आप लैंग्वेज पेपर भी दे सकते हो, एज यू कैन रीड, मिठीबाई ने भी क्लियरली लिखा है कि आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए या फिर दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स आप चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट उसकी ओवर एंड अबव फीस आपको भरनी पड़ेगी एज यू सेलेक्ट द पेपर. ऑल्सो गाइज, एनी डबल पेमेंट इफ इट हैपन्स तो आपको वो रिफंड भी हो जाएगा, सो डू नॉट पैनिक इन दैट केस. ऑल्सो द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म. एनी कैंडिडेट विद मोर देन वन एप्लीकेशन नंबर विल बी treated as unfair means even if found at the later stage and a strict action will be taken. तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत ज़्यादा rush करोगे and you know just form भरना है और mistakes कर दोगे and then you will say कि नहीं चलो एक form में गलती हो गई दूसरा भर देता हूँ, तो वो mistake मत करना. Just gather all the information. आज के दिन सिर्फ आप सही तरीके से चीज़ों को समझो, websites visit करो, चीज़ों को देखो. अगर आपको confusion लगता है, join the live link for the Zoom and do your form filling process. That will be much more safer and smoother. या तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी डाल दूंगी, वो भी देख के आप फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं. ऑल्सो गाइज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग. जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाले हैं जो कि मिनसेट का था, और जो भी बच्चे मिनसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाने वाला है. ऐसे भी LRVR जो सेक्शन था वही आपको आएगा CUET के जो एप्टीट्यूड टेस्ट में है. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. यू शुड बी हैप्पी कि आपका जो टेंशन ऑफ मैथमेटिक्स है वो निकल गया. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड प्रीवियस वीडियोज जो है वो प्लीज मत देखें, बिकॉज अभी वो इनवैलिड हो गए हैं फॉर द मिनसेट. राइट नाउ CUET इज द एग्जाम दैट यू हैव टू गिव फॉर 2023 एडमिशन. And before I end this, I do one-on-one counseling session. अगर आपको लगता है आप किसी चीज़ को लेके confused हो, please get in touch with me. There's a number in the description box. Just drop a WhatsApp message on that. And we are preparing students for the general test and clearing Mithibai exam as well. So अगर आपको crash course चाहिए for 1 month, and we'll have like 1.5 months to just prepare for general test. So you can enroll for that. It's just in 4999. So if you want to enroll for the crash course, please again WhatsApp number पे आपको just text करना है. सारी detail आपको वहाँ पे मिल जाएगी. आई होप गाइस द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स ऑन मीडिया मेंटर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.